यदि आपको करेले की सब्जी कड़वेपन की वजह से पसंद नहीं है तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और पौष्टिक भी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए 250 ग्राम करेले, इनको काट कर नमक लगाकर एक घंटे पहले रख दिया था। अब हम इनको अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेंगे। अब हम हाथों से दबाकर करेले का सारा पानी निचोड़ देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने करेले का सारा पानी निचोड़ दिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें करेले फ्राई होने के लिए डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये लगभग 70% तक कुक हो गए हैं। बाकी के इन्हें हमें सब्जी में कुक करना है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी ऑयल में प्याज फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज को इस तरह से लंबी लंबी कलियों में काट लिया है, उसको भी फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गई है, फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल लिया है 2-3 चम्मच, ये अच्छे से गर्म है। अब हम डालेंगे आधे चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा भुनेंगे। अब हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च थोड़ी सी सीखने के बाद अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर हमने आधा चम्मच डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सेकेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर को मिक्सर में पीस कर प्यूरी बना ली है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिक्स करेंगे और टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर और मसालों से तेल अलग हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे मसाले और टमाटर अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, मिक्स करके 1-2 मिनट और भूनेंगे। हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए करेले और प्याज, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इनको मसालों के साथ 8-10 मिनट अच्छे से सिझा लेंगे और हमारी टेस्टी करेले की सब्जी बनकर तैयार है।